नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, सीखो कमाओ योजना के जो है आवेदन अभी चल भी रहे हैं, लेकिन 1 अगस्त के बाद से आगे की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई है। तो उस प्रक्रिया को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, हमारा किसी ट्रेड में नाम आया है कि नहीं आया है, अब हम इसके माध्यम से आवेदन की स्थिति चेक करके यह पता लगा सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ऊपर यह एक लाइन जो है चलती हुई हमें दिखलाई दे रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा भेजे गए अनुरोध को स्वीकार और अस्वीकार करने हेतु अभ्यर्थी को लॉगिन करना होगा। तो आपको जो प्रोफाइल बनाते समय आईडी और पासवर्ड मिला हुआ था, उसके माध्यम से आपको पोर्टल में यहाँ पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पेज आपको दिखलाई देगा। यूजर आईडी में आपको आपकी यूजर आईडी या समग्र मेंबर आईडी डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, उसके बाद नीचे दिया हुआ जो कैप्चा कोड है उसे आपको डाल देना है और लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, अभ्यर्थी की प्रोफाइल आपको दिखलाई देने लगेगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं प्रोफाइल खुल गई है। अब आप इसमें लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ हमें 3-4 नए ऑप्शन दिखलाई दे रहे हैं। नीचे यह जो आप देख रहे हैं आवेदन की स्थिति, यह वाले विकल्प पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस विकल्प के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको आपके आवेदन की स्थिति स्टेटस दिखलाई देने लगता है। अभी जैसे इस वाले केस में आप देख सकते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है कि इस अभ्यर्थी ने जिस भी ट्रेड को लिया था उस ट्रेड के अंतर्गत अभी इसका नाम नहीं आया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और जिन अभ्यर्थियों का उनके चुने हुए ट्रेड में नाम आ गया है, यहाँ पे उनके ट्रेड का नाम दिखलाई देगा, जिसे वह एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। यह अभ्यर्थी के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वह इसे एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे आगे की प्रक्रिया के लिए, इंटरव्यू वगैरह के लिए उस कंपनी या ट्रेड के माध्यम से एक निश्चित डेट पर बुलाया जाएगा। इस प्रकार से आप यह पता लगा सकते हैं। तो ऐसी और भी आवश्यक जानकारी के लिए बिग थिंक बड़ी सोच चैनल को सब्सक्राइब करना ना